जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। अभी गणेश जी का पर्व चल रहे हैं, तो भगवान गणेश जी को बुद्धि का दाता कहा जाता है। भगवान गणेश के कारण ही हमारे बुद्धि तीव्र होते हैं। भगवान गणेश को मंगलकारी कहा जाता है और देवताओं में सर्वप्रथम पूजनी माना जाता है। तो आज की जो हमारा वीडियो का विषय है, किस प्रकार हम भगवान गणेश जी को प्रसन्न कर सकें, किस प्रकार भगवान गणेश को हम प्रसन्न करके सफलता प्राप्त कर सकें, हमारी जिंदगी में धन का अभाव हो वह दूर हो जाए और हमारे सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति हो। वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है, अपना 3 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना। और हाँ, अगर आप भी भगवान गणेश जी को मानते हैं तो जय श्री गणेश कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। भगवान गणेश को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, इसलिए भगवान गणेश को श्री गणेश या फिर बाल गणेश कहा जाता है। भगवान गणेश कभी भी क्रोधित नहीं होते, इसलिए छोटे छोटे बच्चे भी भगवान गणेश जी की प्रतिमा बैठाते हैं। तो भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए सर्वप्रथम उनकी प्रिय वस्तु क्या है, प्रिय चीज क्या है, तो दुर्वा घास, जैसे कि आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं, इसे दुर्वा घास के नाम से जाना जाता है। जो दुर्वा घास है, ये माता दुर्गा को चढ़ाने से भी सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होता है। भगवान गणेश जी को भी सफेद दुर्वा की घास चढ़ाने से भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ये देवताओं को भी बहुत ही प्रिय है। दुर्वा घास के कई अनेक चमत्कारिक प्रयोग है। ऐसा माना जाता है दुर्वा घास में कुछ अमृत के बूंद गिरे थे, इसलिए देवी देवताओं की पूजा में प्रयोग होता है। तो आई मैं आप लोगों को इसका प्रयोग विधि बताने के प्रयास करूंगा। इस प्रकार से आपको दुर्वा घास लेना है और दुर्वा घास की, जैसे कि आप हमारे वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार से रस निकाल लेना है, जैसे कि हमने वीडियो में निकाल करके रखे हैं। ठीक आपको इसी प्रकार से दुर्वा घास की रस निकाल लेना। इसके रस निकालना बहुत ही आसान है, आप पत्थर से पीस करके आप इसके रस निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। इतनी मात्रा में आपको निकाल लेना है। अब आइए जानते हैं इसके प्रयोग। तो इसे आपको क्या करना है, भोजपत्र लेना है, जैसे कि हम वीडियो में इस प्रकार से भोजपत्र लिए हैं, इस प्रकार से आपको भोजपत्र लेना है और भोजपत्र में इसके रस से, दुर्वा घास की रस से आपको स्वास्तिक बनाना है। अब स्वास्तिक के फायदे सुन लीजिए और इसे कहाँ रखना है ये भी बताऊंगा। तो जो स्वास्तिक है, इसे भगवान गणेश जी के मंगलकारी स्वरूप माने जाते हैं, कल्याणकारी स्वरूप माने जाते हैं। भगवान गणेश जी तो 10 दिन के बाद चले जाएंगे, लेकिन उनके कृपा आपके साथ में रह जाएंगे, यानी जो स्वास्तिक है ये आपके साथ में रह जाएंगे। तो आपको स्वास्तिक को धूप में रख करके सुखा लेना है और इसका फ्रेम बनवा लेना है और इसे घर के हाल में रखना है, जहां पे सभी लोग बैठते हैं वहां पे रखना है। तो इसके रखने से भगवान गणेश जी के जहां पे निवास होता है, जहां पे स्वास्तिक बना होता है, वहां पे कभी भी वास्तु दोष नहीं लगते। तो घर के अगर हाल में रखते हैं तो आपके जितने भी वहां पे आने वाले लोग बैठेंगे, आपके घर परिवार के लोग बैठेंगे, सबको उन्नति मिलना शुरू हो जाएंगे, सबको प्रगति मिलना शुरू हो जाएंगे, सबको सफलता मिलना स्वयं शुरू हो जाएंगे और स्वयं मां लक्ष्मी आकर के ऐसे घर में धन लुटाना शुरू कर देती है। जहां पे भगवान गणेश जी के मंगलकारी स्वास्तिक दुर्वा घास से बने होते हैं, वह घर फिर कभी कंगाल नहीं होते। उस घर में स्वयं साक्षात लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती हैं, भगवान गणेश जी साक्षात अपनी कृपा बरसाते हैं, ऐसे घर मंगलमय हो जाते हैं, ऐसे घर अनधन से भर जाते हैं, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। तो आप भी गरीबी मिटाने के लिए, बुरा समय चले उसे समाप्त करने के लिए यह उपाय अवश्य करके देखें, 100% आपको लाभ मिलेंगे। आपके घर में किसी को रोग लगा हो, दोष लगा हो, तो यह उपाय करने से या फिर इसके फ्रेम बनवा करके घर के हाल में रखने से रोग दोषों को खींच लेता है, अपने अंदर में समाहित कर लेता है। थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों यारों में शेयर करना न भूलना। धन्यवाद, नमस्कार।